इस्लामाबाद बहरिया टॉम में मौजूद मांजू रेस्टोरेंट अरेबिक खानों के मुनफरिद जायकों की वजह से इस्लामाबाद का सबसे मकबूल अरेबिक फूड रेस्टोरेंट बन गया। रेस्टोरेंट का मालिक ना सिर्फ खुद सऊदीया से पाकिस्तान आया बल्कि इस रेस्टोरेंट के तकरीबन तमाम शेफ भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। मिस्र, यमन और सऊदीया से आने वाले ये माहिर शेफ कौन हैं और इस रेस्टोरेंट को कौन चलाता है, आइए ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हम मांजू रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम इनका किचन विजिट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये ओपन है और आने वाले कस्टमर को ये वाजिया तौर पे नज़र आ रहा होता है कि किस क्वालिटी का फूड बन रहा है। ताहिर साहब, ये पाकिस्तान में तो लोग देसी खाने खाने के शौकीन हैं, तो आप सऊदीया से पाकिस्तान आ गए अरेबिक फूड ले कर, ये मशवरा किसने दे दिया आपको? जी, मेरी बाकी ब्रांचेज जो थी वो सारी सऊदीया में, तो मैं चाहता था कि ये वाला ट्रेंड मैं पाकिस्तान में भी लेके आऊँ ताकि यहाँ भी आवाम को पता चले कि अरबिक फूड क्या होता है। तो इस वजह से फिर मैं पाकिस्तान में आया और मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट बनाया। तो कौन कौन से अरबिक फूड आप यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं? मेरे पास तुर्किश खाने भी हैं और यमन के, ये जो एक मुल्क है यमन, और इजिप्ट के भी हैं, और ये सारे खाने यहाँ मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को, क्योंकि शेफ़ मैं लाए इजिप्ट से था। तो ये मेरी जो बाहर वाली ब्रांच है उनमें मेरे साथ 8-9 साल वहाँ मेरी उन ब्रांचों में था, तो जब मैं पाकिस्तान आया था तो फिर मैं इसको अपने साथ लेके आया था। ये प्रॉपर इजिप्ट का ही है। खुशी से आ गए थे? हाँ, बस वो मेरी मैंने काफ़ी अर्से मेरे साथ वहाँ काम किया था, तो फिर ये मेरे अलावा कहीं और किसी के पास जाते ही नहीं थे, तो बस ये इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि पाकिस्तान भी आ गया मेरे पीछे। ये क्या कह रहे हैं, मुझे उर्दू नहीं आती, तो अच्छा आप अरबी में बता दें इन्हें कहें, फिर आप ट्रांसलेशन कर दें। बीस साल के नो हल आज पाकिस्तान वल्ला माशा अल्लाह पाकिस्तान मर्रा तैयबा माशा अल्लाह पाकिस्तान मा तखयर अन मिस्र वना मबसूत। ये क्या हमारे मुल्क को क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह, यानी ये हमेशा तारीफ ही करते हैं पाकिस्तान की। इनको पता है कि इनका जो शवारमा है इनके हाथ का बना हुआ वो कितनी दूर दूर से लोग आके पसंद कर रहे हैं और खाने आ रहे हैं, ये इनके इल्म में ये बात है? بس لكن عندك علم انه للشاورما اللي انت بتقدم للناس هل يعجبهم ولا لا؟ والله احنا في عندنا صندوق شكاوي ومقترحات، يعني لو في اي زبون عنده شكوى او مقترح، بس الحمد لله رب العالمين احنا الخدمة عندنا جيدة والطعم الحمد لله ما يحتاج. سچ سچ بتائیں انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ آج تک مجھے کوئی کمپلین نہیں آئی इस मेरे इसके खाने के हवाले से माशाल्लाह, और कहते हैं मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला और कि मुझे पता है कि लोग मेरे खाने को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो शेफ़ हैं जी नासिर भाई, जो आपको मांजू रेस्टोरेंट पे इतना मज़े मज़े का शवरमा बना के खिला रहे हैं। ये मंदी का सेक्शन है और आए मैं आपको यहाँ तंदूर बने हुए हैं, इसके अंदर जो मंदी पकती है। ये आपने जूस कॉर्नर रखा हुआ है, ये भी कोई अरेबिक जूस है? हाँ जी, ये अरेबिक ही है, ये भी शेफ बाहर से आया हुआ है मेरा ना। ये सेक्शन है वो जूस का, जो कि ये भी लड़का मेरा उन्हीं ब्रांच से आया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, जब आप सऊदीया से, आपने बताया कि आपके बाहर के मालिक में ब्रांचेज हैं, सऊदीया सारी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ से पाकिस्तान आ गए और रेस्टोरेंट को लेके आ गए, फूड के बिज़नेस में तो बड़ा रिस्क भी होता है, किसी ने डराया नहीं आपको? जी, डराया तो काफ़ी लोगों ने था मुझे कि अरबिक फूड यहाँ लोग नहीं पसंद करते या ये यहाँ नहीं चल सकता ये वाला रेस्टोरेंट, तो मैंने बस तवक्कल किया और मैं आया यहाँ पाकिस्तान में आके, फिर मैंने रेस्टोरेंट माशाल्लाह इधर बनाया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इधर इस हवाले से। तो माशाल्लाह मेरे जितने भी कस्टमर हैं, जो भी यहाँ आता है वो एक दफ़ा यहाँ के ट्राई करता है मांजो, तो नेक्स्ट वो रेगुलर कस्टमर माशाल्लाह यहाँ का बन जाता है। आपने जैसा कि देखा कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये वाहिद
अरेबिक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं बल्कि जिस मुल्क की रेसिपी है उसी मुल्क का शेफ़ उसको बनाता है। ताहिर साहब की इस काविश को हम बहुत सराहते हैं कि उन्होंने सऊदीया से आके पाकिस्तान में कारोबार स्टार्ट किया और हम लोगों को इतने लजीज खानों से मुतारिफ़ कराया। आप लोगों से भी मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी मांजू रेस्टोरेंट का ज़रूर विज़िट करें और इनके खानों को टेस्ट करें।